असल मैं हूँ आबिद नाजरीन बड़ी खौफनाक खबर है मुस्लिम लीग नवाज के लिए कि एक सफ़ा जिसका दावा था वो एक सफा फट गया या उस एक सफ़े के फटने के बहुत सारे शवायद हैं मियाँ नवाज शरीफ को बड़ी तशवीश शुरू हो गई है उन्होंने गिले शिकवे शुरू कर दिए कि ये उनके साथ हाथ हो गया है उनके साथ प्रेंक हुआ है उनके साथ बड़ी ज्यादी हुई है धोखा हुआ है उनके साथ और पंजाब उनसे छीनने के लिए हतमी फैसला हो चुका है या ये बात बता रहे हैं कि इस वक्त जो लड़ाई है वो अल्टीमेटली घूम के वापस पंजाब के ऊपर आ गई है और पंजाब से मुस्लिम लीग नवाज को आउट किया जा रहा है बड़ी तशवीश ना खबर है ये और इसमें इमरान खान की जीत कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा पहले तो ये सुन लें आप कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि नवाज शरीफ ने गिले शिकवे शुरू कर दिए हैं नवाज शरीफ ये समझते हैं कि हमने ये हुकूमत ली हमने बहुत सारी जलालतें अपने जिम्मे से बैठी बहुत सारी तनकीद हमारे ऊपर हुई और इस तनकीद के बावजूद अब हमें अगर आउट किया जा रहा है, तो ये हमारे साथ बहुत ज्यादा इसका फिर फायदा क्या हुआ वो ये समझ रहे हैं कि उनको बहुत शदीद एतराज है जहांगीर खान तरीन की जो इंट्री हुई है पंजाब के अंदर उससे और खास तौर पर फिर जो काफ लीग का रिवाइवल है जो काफ लीग के मुर्दा घोड़े में जान डालने की एक कोशिश की जा रही है तो इसमें नवाज शरीफ बिल्कुल भी खुश नहीं है कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि मरियम की और शहबाज शरीफ की आपस में कुछ तलखी हुई है इस बात को लेकर क्योंकि अगला जो मंजरनामा है मरियम साहिबा खुद को उसमें कैंडिडेट समझती है वजारत उज्मा का और कुछ हल्के अब ये दावा कर रहे हैं कि ना बिलावल होगा ना मरियम होंगी जहांगीर खान तरीन होंगे आपको ये यकीन ही नहीं आ गया कि ये कैसे हो सकता है पाकिस्तान है भाई कुछ भी हो सकता है नौ मई से पहले कुछ और चीजें सोचते थे लोग नौ मई के बाद चीजें एकदम चेंज हो गई हैं लेकिन जो मुस्तका अतलात हैं वो ये हैं कि ना जहांगीर तरीन है ना ही मरियम है बिलावल के ऊपर इस वक्त जो है वो बात हो रही है और इसको इस इसक्यू इस वक्त बिलावल के ऊपर मेहनत हो रही है और कुछ लोग ये समझते हैं कि इमरान खान जो है वो सत्तर साल से ऊपर हैं शहबाज शरीफ का करियर ख़त्म है मरियम साहिबा बड़ी जजबाती हैं वो इस पोस्ट की अहल नहीं है तो यंग ब्लड को जो है वो टाइम देना चाहिए और पाकिस्तान की जो यंग लीडरशिप है वो बिलावल है तो इसलिए बिलावल के ऊपर मेहनत हो रही है तो नवाज शरीफ साहब को इस चीज़ के ऊपर बहुत तकलीफ है कि जहांगीर खान तरीन का जो रिवाइवल है या उनके साथ एक जो किंग पार्टी को मंसूब किया है उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो मुस्लिम लीग नवाज का होगा अच्छा इसकी वजूहत हैं नवाज शरीफ अगर ये बात समझते हैं तो ये बात वो ठीक समझते हैं इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि इस वक्त जो कुछ पंजाब के अंदर होगा जितने ये ग्रुप्स बनेंगे किंग ग्रुप बनता है जहांगीर खान तरीन की सूरत में या काफली का कोई ग्रुप बनता है या कुछ लोटे जो इमरान खान को छोड़कर जाते हैं तो वो अगर पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनते उस कारवां का हिस्सा बनते तो भी हर तीनों सूरतों में जो पंजाब का वोट काटा जाएगा वो नवाज लीग का वोट काटा जाएगा वो वोट इन टी इमरान वोट काटा जाएगा और इसमें जो सबसे ज्यादा खौफनाक शक्ल बन रही है वो उन लोटों के लिए बन रही है लाइक फवाद चौधरी टाइप जो लोग हैं उनके लिए बहुत अजीब व गरीब सूरतल का उनको सामना है वो भी मैं आगे आपको चल के बताता हूँ थोड़ी देर में लेकिन अब ये जो सूरतहाल है नवाज शरीफ साहब की परेशानी उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी नजरें पंजाब के ऊपर होती हैं हमेशा वो पंजाब के ऊपर अपना कब्जा कायम रखते हैं तो इसलिए वो ये सोचते हैं कि ये सारा जो मैदान है ये तो पंजाब के अंदर लगना है जहांगीर तरीन खान भी होगा काफ लीग भी होगी तेरीके इंसाफ के भी लोग होंगे मुस्लिम लीग नवाज भी होगी पीपल्स पार्टी भी होगी तो ये काफ लीग ये कितने लोगों में बटेगा कितनी सियासी जमातों में बटेगा तो वो जो अपनी पंजाब के अंदर एक बाला दस्ती थी उसको खोते हुए वो देख रहे हैं अपना पंजाब के अंदर जो जवाल है उसको वो देख रहे हैं इसलिए उन्होंने ये शिकवा किया कि जहांगीर तरीन खान को क्यों लाया जा रहा है और कौन इनको लेकर आ रहा है और ये भी बात हो रही है कि अठारह में ये फैसला अगर हुआ था कि पहले बिलावल होगा और उसके बाद होगा तो नवाज शरीफ ये कहते हैं कि हमें ये किस किन नफलों का स्वाव है हमने इतनी जलालत अपने ज़िम्मे ली है और अब ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ भी कबूल नहीं है मरियम भी कबूल नहीं है नवाज शरीफ भी कबूल नहीं है हम तीनों मुस्रद ने तो फिर कबूल कौन है हमें किस पागल कुत्ते ने काटा था कि हमने इतना अपने जिम्मे ले लिया इतना बोझ ये सारी जितनी जितनी तनकीद हुई है हमारे जिम्मे आई तो इसलिए अब वो ये कहते हैं कि बहुत सख्त तश्वीश का सामना है नवाज शरीफ को चूंकि वो ये समझते हैं कि पंजाब के अंदर जो वोट होगा नवाज लीग का दूसरी पार्टियों में बटेगा और इमरान खान का वोट ना नवाज लीग को पड़ेगा ना पीपल्स पार्टी को पड़ेगा ना जो कोई भी तीसरा कैंडिडेट इन पी इमरान होगा उसको पड़ेगा हाँ ये अलग बात है अगर पीपल पीटीआई बिल्कुल इलेक्शन के अंदर हिस्सा ना ले या कोई उसकी नई सूरत बन जाए उसके ऊपर यह पाबंदी लग जाए या उसके कैंडिडेट्स जो है वो उनके साथ धानली हो जाए तो वो एक अलग सूरत है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी और तरीन ग्रुप जो होगा उनको कुछ हिस्सा मिलेगा फिर ये कहते हैं कि किसी कुछ जगहों के ऊपर पीटीआई बड़ी स्ट्रांग होगी फिर जुनूबी पंजाब में इनका सफाया भी हो सकता है और इन इस सारे क्राइसिस में जो सबसे बड़ी विक्टिम होगी विक्टिम बन के बाहर आएगी वो मुस्लिम लीग नवाज होगी और वो ये समझते हैं कि थोड़े थोड़े हिस्सों में थोड़े थोड़े ग्रोहों को लाकर एक हंग पार्लियामेंट बन जाएगी और उसका भी नुकसान होगा पंजाब फिर नून लीग से हमेशा हमेशा के लिए छिन जाएगा तो ये इस वक्त एक तश्श और एक बड़े लेवल की जो लड़ाई है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है टॉप लेवल के ऊपर चूंकि आज तक तो इस दिन तक तो इमरान खान इन सब का मुतफि का और मुश्तका दुश्मन था अब इमरान खान अगर मंजर से उसको आउट कर देते हैं तो फिर जाहिर है आपस में लड़ेंगे अगला मवारा जो होगा वो पंजाब को सर करने का या मरकज के अंदर हुकूमत बनाने का होगा तो जाहिर ये एक दूसरे के इतने सगे तो नहीं है ये बुगजे इमरान में इकट्ठे हुए थे और बुगजे इमरान जब इमरान खान मंजर नामे से हटता है इनकेस तो फिर जाहिर है इनको आपस में तो ये दाल जूतियों में बटनी है और आपस में इनकी लड़ाई शुरू होनी है और जो आज से ही जिसकी बुनियादें रख दी गई हैं और अब क्या हो रहा है इनके जितने जितने भी अंदाजे थे जितने थे वो गलत साबित हो रहे हैं गलत ऐसे साबित हो रहे हैं अब इलेक्शन की जो साइंस होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है जिन लोगों ने इमरान खान को छोड़ा इस मुश्किल वक्त में आप क्या सोचते हैं जो इमरान खान का वोटर होगा वो रिएक्शन की सियासत नहीं करेगा और वो करेगा और वो कुछ हलकों के अंदर जो इस वक्त जो लोटे हैं उनको सबसे बड़ा इशू यह आ रहा है कि जो तरीके इंसाफ को छोड़कर जा रहे हैं इस मुश्किल वक्त में वोटर तरीके इंसाफ का इंटेक्ट है इमरान खान का इंटेक्ट है तो वो उन लोटों को हराने के लिए उनके एंटी वोट देंगे और यह चीज इस वक्त एक पब्लिक नेरेटिव बन गई हर तरफ यह बयानियां फैल रहे और लोटे इसलिए मुश्किल का शिकार हो रहे हैं कि उनको हराने के लिए अगर वो तरीके इंसाफ के, के मुतबाद कैंडिडेट को वोट ना भी दे पाए वो तरीके इंसाफ के लोटे को हराने के लिए किसी दूसरे कैंडिडेट को अपना वोट देंगे इस वक्त लोटों के लिए एक इश्यू यह भी है तो ये जितनी भी एफर्ट हुई तेरीक इंसाफ को मंजर से आउट करने की या सियासी या सियासत से आउट करने की वो वापस रिवर्स हो जाएगी और ये जो आइडिया था मुझे लगता है आइडिया फ्लॉप हो गया और ये जितनी मेहनत हुई थी इसके ऊपर उस दिन पानी फिर जाएगा जब अगर आप देखेंगे लोटों के साथ एग्जेक्टली वही होगा जो पंजाब के अंदर हुआ था बीस में से सत्रह नशितें अगर इमरान खान उस हालत में जीत सकता है तो आप ये देखें जो आ, आने वाला इलेक्शन होगा जिसमें इतनी ज्यादा चीजें डेवलप हो गई होंगी तो उसमें शायद इससे ज्यादा रद्द अमल आए तो इसलिए लोटों के ऊपर एक और क्यामत टूट पड़ी है कि ये कैसे इस फैक्टर को कैसे ओवरकम किया जाएगा और यही वजह है कि कुछ लोग अभी भी बात कर रहे हैं कि हम जो इमरान खान के अलावा तो हम सिफर है तो भाई तुम लोगों को पागल कुत्ते ने काटा था इमरान खान के अलावा तुम सिफर हो तो फिर तुम ये भाग दोड़ करो कि ये भागो और फिर कहो कि हम ब्रेक ले रहे हैं और फिर आप ये कहो जी कि हम इमरान खान के अलावा सिफिर हैं तो बुनियादी तौर पर ये जो एक चकमा देने की कोशिश की जा रही है आवाम को अपने हल्के के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की वो इमरान खान का वोट या उसकी हमदर्दी या उसके वोटर की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की जा रही है लेकिन ये चीजें चलेंगी नहीं ये अल्टीमेटली सामने आ जाती हैं चीजें लोग तो अब भूलते नहीं हैं लोगों की यादाश्त तो अब इतनी कमजोर नहीं है ये तो टिकटॉक का जमाना है एक एक चीज सामने आ जाती है और आप उसको अगर भुला भी दें तो कमेंट्स टेगिंग वो सारी चीजें आपको उस तरफ लेके आ जाती हैं तो इस वक्त लोटों की जान के ऊपर कम अज कम बनी हुई है यही इमरान खान की एक बहुत बड़ी कामयाबी और एक डेटेंस भी है जो लोग जा रहे हैं उनको भी ये चीज समझ आ रही है कि वो जा रहे हैं तो उनका सियासी करियर खत्म हो रहा है और इसी चीज़ का जिक्र इमरान खान ने अपनी तकरीर के अंदर भी किया था अगर आप इस चीज़ से मुतफिक हूं तो अपना कमेंट uh, सेक्शन में uh, ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा इजाज़त दीजिए अपना ख्याल रखिएगा खुदाफिज